नमस्ते, मैं बेगम सोनी आगरा शहर के एक छोटे से गांव से रहने वाली हूँ। अभी प्रेजेंटली मैं बैंगलोर में हूँ। मैं यहाँ पर टीचिंग की जॉब करती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन एमए बीएड है। मैंने हिंदी से ही किया है और मैं हिंदी की शिक्षा बच्चों को प्रदान करती हूँ और मुझे अपनी हिंदी मातृभाषा पर बहुत ही गर्व होता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर हिंदी में ही बात करती हूँ। मुझे बेगम सोनी इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि बेगम का मतलब ये नहीं होता कि वो किसी की वाइफ है। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी कम्युनिटी की, सल्तनत की एक ऐसी रानी हूँ जो हिंदू मुस्लिम धर्म को, दोनों को बिल्कुल ही बिलोंग नहीं करती, बट दोनों ही धर्म का सम्मान करके आगे बढ़ती है। इसीलिए लोग मुझे प्यार से बेगम सोनी बोलते हैं। निजी ज़िंदगी की बात की जाए तो मेरी निजी ज़िंदगी मेरी फैमिली से जुड़ी हुई है। मैं अपनी फैमिली में भी ओपन हूँ और मैंने फैमिली वालों को ये बता रखा है कि मैं एक क्योर आर्टिस्ट हूँ और इसके साथ साथ मैं परफॉर्म करती हूँ। मैं लोगों तक को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप भी मेरी तरफ बाहर आइए, अपनी फैमिली वालों को समझाइए ताकि वो आपकी भावनाओं को समझें और आप मेरी तरह उनको दिखा सकें कि आप हो क्या, और अपनी पर्सनल लाइफ को ना भूलते हुए प्रोफेशनल दोनों को साथ में लेके चलें। कभी कभी क्या होता है कि इंसान पर्सनल में इतना विलीन हो जाता है कि वो अपने प्रोफेशनल को भूल जाता है और या फिर प्रोफेशनल में आने के बाद में पर्सनल को भूल जाता है। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि जिस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी चला रही हूँ दोनों पहलू की गाड़ियों से, ताली दोनों हाथ से बजती है कहा जाता है, और मैं यही बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर भी अगर इंसान चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है।